ओम श्री सदगुरु महर्षि मही परमहंस महाराज जी की जय। गुरुदेव का प्रवचन तप। स्वामी अध्यात्मानंद के वचनों में पुराणों में उल्लेखित है कि अनंत संयन करते भगवान नारायण के नाभि कलम से ब्रह्मा जी का बड़ा दुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों ओर क्षीर सागर जल ही जल है, जल के सिवाय और कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी ने अपने आंखें बंद करके मन एकाग्र किया। एकाएक क्षीर सागर की उछलती जल राशि से निकली एक ध्वनि उनके कानों पर प्रवेश किया। उन्हें तोपो इस प्रकार सुनाई दिया, यह क्या है, कौन है, इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। यह जानने समझने के लिए ब्रह्मा जी तप में तो दुर्ब हो गए। तप करते हुए कितने कल्प बीत गए। तब उन्होंने मनु तथा सतरूपा को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि का विस्तार करने का आदेश दिया। कदर्म ऋषि दंपत्य जीवन में प्रवेश हेतु तप करते हैं। तत्पश्चात देव हेतु से विवाह उपरांत पुनः तप में लीन हो जाते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने शिव आराधना का तप किया। किसी विशेष क्षमता नाम यश कृति धन संपदा पुत्र परा अथवा अपरा तत्व प्राप्ति हेतु देवों तथा दावनों द्वारा किए गए तपों की कथाएं भी हमने सुनी हैं। राजा सगर के पुत्र भस्मीभूत हो गए थे। तब उनके वंशज केशनी असमंजस असुमान दिलीप और राजा भगीरथ सतत तप द्वारा भगवती भागीरथ को पृथ्वी पर लाए। भगवान सदाशिव क्षीर तपस्वी है। यह तप देवी संपदा है। सत्य में प्रतिष्ठित होना सबसे बड़ा तप है। साच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप, कहे कबीरदास। इस कलयुग में सत्य का अनुशीलन श्रेष्ठ तप्य है। यदि माघ मास में गंगा स्नान अथवा मटके के पानी के स्नान से यदि हमारा कल्याण हो जाता तो गंगा जी की मछलियां का सबसे पहले स्वर्ग जाती। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पैदल मार्ग पर अमर रायो में अनेक अघोरी बाबा शरीर पर भूत लपेट किलों के बिछौनों पर लेटे दिखाई देते हैं। बचपन से ही हमारे स्कूल में एक व्यक्ति आया, उसने सोडा वाटर की कांच की बोतल को अपने दांतों से चबा डाली। रेजर ब्लेड को वह आलू चिप्स की तरह खा गया। ऐसे लोग ईश्वर के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। पहले लोग पंचाग्नि साधन करते थे। गर्मी के दिनों में दोपहर में गर्म तपती बालू में नंगे बदन बैठते अपने चारों ओर आग जलाते, सिर पर भी आग से भरा मटका रखते। सदगुरु श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, एक महीने नमक बंद करो, दूसरे महीने मीठा, एक महीने सुबह की नाश्ता बंद करो, अगले महीने रात का खाना, एक महीने चाय कॉफी मत पियो, अगले महीने चाय कॉफी में शक्कर मत डालो इत्यादि। अब हम जरा विचार कीजिए कि यदि किसी दिन समाचार का पत्र ना आए अथवा आए तो घर के नौकर चाकर ड्राइवर उठा ले जाए तो क्या हमारा स्वभाव में संतुलन बना रहेगा? नहीं। अर्थात तप आत्मसंयम, बुरा ना देखे, बुरा ना सुनना, बुरा ना बोलना, अभच्य का भक्षण ना करना, अनुचित कार्य को ना करना इत्यादि। श्री कृष्ण जी ने सुंदर उपमा दी है, जैसे कछुआ अपने अंगों को। महर्षि पतंजलि ने इसे प्रत्याहार कहा है। इंद्रियों का जब अपने विषयों के साथ संबंध नहीं होता है तब वे चित्त से जुड़
चित से जुड़ जाती है, यही प्रत्याहार है। सदगुरुदेव श्री स्वामी जी शिवानंद जी महाराज ने इस विषय को अति सरल बना दिया है। वे कहते हैं इंटरव्यू ब्रह्म विचरण अनंत चेतन प्रवेश, यानी इस प्रयोग का नाम तप है। इसका श्री गणेश शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाने से होता है। गुजराती NCC बटालियन के एक अधिकारी मई मास में मुझसे मिलने मसूरी आए। उनको अतिथि भवन में ठहराया। सुबह उसने पूछा, रात को अच्छी नींद आई? वे बोले, अरे बाबा मैं तो ठंड से ठिठुर गया। चारों कमलों और दो बिजलियों के हीटर के बावजूद यह NCC अधिकारी ठिठुर गए। शरीर का तप योगाभ्यास से होता है, उसके बाद प्राणायाम से प्राणों के संयम का तप, प्राणों के संयम से इंद्रियों का, और इंद्रियों का संयम से पहले मन और फिर बुद्धि का संयम। इस प्रकार आप आत्म संयम के मार्ग का कर्मश आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा ने तप की सुंदर व्याख्या की है। वे कहते हैं कि देव द्विज गुरु पंडितों का पूजन सम्मान ब्रह्मतर विचार व्यवहार शुद्धि सरलता सदाचार अहिंसा इत्यादि शारीरिक तप है, जो सदैव स्वस्थ है, मधुर भाषी है, कभी उद्वेग नहीं करते, जो सदैव ईश्वर का वेद पाठ गीता स्वाध्याय करते हैं, वे निश्चय ही वाणी का तप करते हैं, जो सदैव प्रसन्न रहता है, शांत प्रकृति है शुद्ध अंतकरण से सिमरत मना है, वह मानसिक तपस्वी है। ब्रह्मलीन श्री स्वामी देवानंद जी महाराज कीर्तनाचार्य कहलाते हैं। वे कीर्तन प्रारंभ करने से पहले कहते थे कि सतयुग में प्राण अस्थिगत होते हैं, त्रेता युग में मज्जागत और द्वापर में रक्तगत होते हैं, कलयुग में अन्नगत है। फिर विनोद करते हुए आगे जोड़ते हुए टी गत प्राण 38 वर्ष पूर्व जब हम प्रथम बार शिवानंद आश्रम गए, तब मैं आश्रम वासियों में सबसे छोटा था। शेष सभी बड़े वयोवृद्ध तथा ज्ञान वृद्ध थे, परंतु तपोवृद्ध कदाचित कोई ना था, क्योंकि वे सब अपने साथ एक डब्बे में रख कर किरासन स्टोव भी लाए थे। आश्रम में जो चाय मिलती है उसे अपने कमरे में लाकर उसमें जो दूध चाय मसाला डालकर पकाते हैं तब पीते हैं। जब तक बाद शाही चाय ना मिले तब तक अच्छी तरह से सुबह नहीं होती है। ईश्वर हमारी कमजोरी जानते हैं, इसलिए शास्त्रों और संतों ने कहा है कि कलयुग और मनुष्य अल्पायु होगा। रावण तथा अन्य असुरों ने 10,000 वर्षों तक तप किया था। अपने जीवन में हम ऐसे तप की कल्पना तक नहीं कर सकते। भागवत जी ने कहा है कि जब हरिण्यकशिपु तप कर रहा था तब उद्बिलाव उसका सारा मांस खा गया था, मात्र अस्थि पंजर बचा रहा। उसके तप से स्वर्ग लोक तपने लगा।
सूर्योदय सूर्यदेव की आभा छिन्न हो गई। देवगण व्याकुल होकर विष्णु जी के पास दौड़े गए। ये सब क्या हो क्या हुआ? अतः तप का आडंबर अथवा दंड नहीं करना चाहिए। दंभ नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं सतयुग में धर्म तप था, त्रेता का ज्ञान द्वापर का द्वापर का यज्ञ तथा कलयुग में दान दया और इंद्रिय निग्रह यही तप है। हमारा अपना जीवन प्राणामिक हो यह सबसे बड़ा तप है। यदि भूलवश कभी एकादशी के दिन सुबह नाश्ता कर ले तो फिर उस दिन और अगले दिन निर्जल उपास करे। आज भी युग पुरुष स्वामी चितानंद जी महाराज का यही नियम है। उन्होंने बर्फ के बीच में बैठकर भी ध्यान किया। यह कोई 200 वर्ष पुरानी बात नहीं है, मात्र 45 वर्ष की पूर्व की घटना है। तपस्वी का तप क्या है, आत्मसंयम क्या है, इनके जीते जागते उदाहरण पूज्य बड़े स्वामी जी हैं। जाने अनजाने कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाए, स्वयं कष्ट उठा ले, यह तप है। इन पंक्तियों से हम अपने जीवन में सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। सत्य अहिंसा का सदा पालन करना चाहिए। कभी कोई चोरी नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ वस्तुओं का संग्रह ना करना इत्यादि। पूज्य बापू जी के दम निगम तप मार्ग के प्रशासक प्रकाश स्तंभ है। पूज्य बापू जी ने इन नियमों को अपने जीवन में यानी आचरण में उतारा, इसलिए उन्हें महात्मा कहा गया। यह कर सकना असंभव नहीं है। आवश्यकता प्रामाणिक प्रयत्नों भर की है। कभी भी भूले से भी ईश्वर के अस्तित्व में शंका नहीं करना चाहिए। और तप तो करना पड़ेगा यही और तप तो करना पड़ेगा ही। विज्ञान के विषय सीखने जानने के लिए प्रयोगशाला आवश्यक है। हर विषय का यथार्थ कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग इत्यादि का सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। इसी प्रकार से ईश्वर की खोज का एक पाठ्यक्रम तप है। जैसे मुमुच्छु तप विधि करेगा, वैसे वैसे उनके ओजस्य तथा तेज में विधि होगी। सुविज्ञान जन कहते हैं कि जो सोने को जितना तपाओ वह उतना ही निखरता है। गन्ने को ऊपर से यानी चूसना शुरू करे तो जैसे जैसे चूसते जाते हैं उसके स्वाद और मधुर में वृद्धि होती जाती है। हीरा जितना ज़्यादा घिसा जाता है वह उसका तेज उतना ही बढ़ता जाता है। पीछे हमने गंगोत्री के सुप्रसिद्ध तपस्वी संत ब्रह्मलीन श्री कृष्णा श्रेय जी महाराज का उल्लेख किया था। उन्होंने निश्चय किया कि मौन रखोगे, मुट्ठी बंद रखोगे, खोलेगे ही नहीं, खाना नहीं मानेंगे, अपने आप भोजन ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेंगे। तुम दो चार दिन के लिए ही सही ऐसा करके देखो तो पता लगेगा कि महाराज ने कितना कष्ट सहा होगा। उन्होंने 3.5 वर्ष तक मुट्ठी नहीं खोली, मौन भी नहीं तोड़ा, बिना अन्न जल के रहे, फिर अपने आप से ही उब गए।
गंगोत्री में ब्रह्मकुंड को देखते हुए चक्कर आने लगता है। वे भागीरथी के प्रवाह में ऊपर से ही कूद गए। साधारण व्यक्ति यदि जाने अनजाने ऐसा कर बैठे तो उसकी एक भी हड्डी साबुत ना बचे। परंतु महाराज गंगा के किनारे बेहोश पड़े मिले। किसी ने उन्हें धीरे से उठाया तो होश में आए और देखा कि साक्षात गंगा मैया उनकी मुठिया खोल रही है और कह रही है, मूठ हट मत कर, मौन छोड़, भोजन ग्रहण कर ले। परंतु साधु हट माता तो अंतर ध्यान हो गई और महाराज दिगंबर अवस्था में हिमालय पर हड्डियां गलाने चल पड़े। सुमेर पर्वत तक पहुंच गए। शरीर थक चला था। कुछ समझ में नहीं आता था। आखिर ईश्वर से सीधी लड़ाई थी। महाराज एक शिला पर बैठ गए, चारों ओर दृष्टि घुमाए। बर्फ के सिवा कहीं कुछ और ना था। एक पक्षी आकर उनके समक्ष बर्फ पर बैठ गया और छी छी ची ची करने लगा। वह पक्षी बार बार महाराज के पास आता, फिर उड़कर दूर चला जाता। यह क्रम चलता रहा। आखिरकार महाराज उठ गए और पक्षी के पीछे चलने लगे। अरे अरे, तू क्या कहना चाहता है? पक्षी उड़कर और थोड़ी दूर बैठ जाए। 2 घंटे तक पक्षी इसी तरह महाराज को चलाता रहा। अतः एक गांव में ले गया। महाराज ने पहाड़ों के चप्पे चप्पे में विचरण किया था। उन्हें कौन नहीं पहचानता था। शीघ्र ही सारे गांव वासियों ने महाराज को घेर लिया। उनके तलवों पर घी मक्खन की मालिश की। चारों तरफ अलाव यानी अग्नि जलाया। सब कोई अपने अपने घरों से अनेकानेक खाद्य पदार्थ सामग्रियां लाकर एकत्रित करने लगे। महाराज कहते हैं, अरे नारायण, दुनिया भर की भूख इस शरीर को ही लगी थी। क्या कितना खाया कुछ पता नहीं। बस राम खाता ही चला गया। लोग खिलाते ही चले गए। बहुत दिन से नहीं खाया था, ना बोला था। माँ ने कहा था कि मौन छोड़, भोजन कर ले। बस कर लिया, हो गया, खेल खत्म। अब भी कभी कभी गंगा नद महाराज डोडी ताल के आसपास दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी नीचे गांव में आकर टोकरी भर रोटियां ले जाते हैं। फिर 2-3 महीने तक उन रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर अपनी भूख मिटाते हैं। एक दिन कहने लगे, बाबा जी ने बोला गुफा में आओ तो अमरनाथ चला गया। गुफा में आओ तो अमरनाथ चला गया। जरा विचार करो, कहाँ डोडी ताल और कहाँ अमरनाथ। बर्फ पर चलकर गए और कई एक सालों बाद तक लौट कर उत्तर काशी वापस पहुंचे। संत ने कहा, बाबा बड़ी दया की, अब और कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए, सोई सांसा। सदगुरु श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज साधारण काल में 8-10 दिन में एक बार रोटी मांगने जाते थे। फिर उन सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खाते थे। आज 55-60 वर्ष पूर्व स्वामी चिमना चिम
चिन्मय चिन्मानंद जी महाराज ऋषिकेश से पैदल उत्तरकाशी गए। वहाँ के प्राचीन संत बताते हैं कि एक दिन आधी रात के समय उन्हें बड़ी जोरों की भूख लगी। अब बाबा सन्यासियों के पास कोई खाने पान की सामग्री तो साथ रहती नहीं, तो एक अंजीर के पेड़ को हिलाया तो उन्होंने 3-4 टहनिया के पत्ते चबा लिया। श्री रामकृष्ण परमहंस देव की काशीपुर बगान में महासमाधि के पश्चात नरेंद्रनाथ रखाल शरद राशि तारक लट्टू महाराज आदि युवक वराहन नगर में किए गए एक किराए के मकान में रहने लगे। इन सब युवकों ने पास कुल जमा एक धोती थी जो अलनंगी पर लटकी रहती थी। जिसे भी बाहर जाना होता हुआ इसे लपेट लेता था। इस नौजवान को प्रबल त्याग विराग भावना थी। आधिकांश कौपीन्य मात्र में ध्यानावस्थित रहते थे। ये सब संत अपनी 20वीं ही सदी के हैं। ये बातें महाभारत भागवत पुराणों की नहीं है। एक दिन पूज्य बाबा रामदेव के मन में विचार उठा कि 7 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए खरे राम नाम का जप करे। संयोग वश उनकी मुलाकात एक संत से हुई जो दीवार से अपना सर फोड़ रहा था। पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? उत्तर मिला कि भगवान संकल्प लिया था कि 100 दिन तक सोऊंगा नहीं, राम नाम जपूंगा, परंतु यह देह नालायक है। मात्र 97 दिन में ही थक गई। मैं अगले 3 दिन और खड़ा क्यों नहीं रह सका? क्या परेशानी थी? पूज्यपाद रामदास जी महाराज कहते हैं कि क्षण मात्र में मेरा सारा अभिमान चूर चूर हो गया।